प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया है और घर के गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ा गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और इस हमले को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला गया है और घर के गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ा गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और हमले का आरोप भाजपा पर ही लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए 50 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया है। बीजेपी के गुंडे सीएम केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। ये है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला करने के बड़े आरोप लगाए हैं। इस वक्त के लिए बड़ी खबर दिल्ली से, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया है और घर के गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ा गया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और इस हमले को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 50 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला गया है और घर के गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ा गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर एक ट्वीट किया है और हमले का आरोप भाजपा पर ही लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए 50 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया है। बीजेपी के गुंडे सीएम केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर आई। ये है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमला करने के बड़े आरोप लगाए हैं।